कहते कि मेहंदी की रस्म में भाई या बहन को, मेरी बेटी मेहंदी दुल्हन को तो लगाए, उसके भाई या खावन को लगाना तो मना है। मर्द के लिए तो मेहंदी लगाना नाजायज है, वो तो बालों पे या दाढ़ी पे लगा सकते हैं, हाथ पांव पे नहीं। ये तो रस्मी हिंदुओं की है, मेहंदी लगा रहे हैं वो, होली खेलते हैं ये भी खेलते हैं माशाल्लाह। मदीने मुनव्वरा में जो औरतें दुरूद शरीफ पढ़ाती हैं हर दाने पर तस्बीह के, वो औलाद के लिए पढ़ाती हैं, अल्लाह वाला मुझे नहीं पता वो क्या करती हैं। हमने तो यही सुना है कि औलाद मर्द से होती है, ये तुम्हें कब से पता लगा कि औरतों से भी होती है? अल्लाह की बंदी पर रोजी बनाने का वसीला बनाया उन्होंने, इसी बहाने तुम जाओगी तो कुछ ना कुछ दे के आओगी ना, कोई मसला नहीं शरीयत में। कहते जी कि अल्लाह ने फरमाया कि कान अर्शु अलल माए, कि पानी पे था तो वो कोई निशानदेही कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पानी पे कहा है, जमीन पे तो नहीं कहा, जमीन तो बाद में अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने उसके बाद जमीन पैदा की है, फिर जमीन भी पैदा करके छोड़ दी, फिर आसमान बनाया, सुमस्तवा इलस्समाए वही दुकान, उसके बाद फिर वल्लर्ज़ाबाद का दहा, फिर जमीन को बिछाया गया, वो जमीन थी नहीं तो निशानदेही कैसे करें? ना तुम्हें निशानदेही करने से क्या मिल जाएगा, मुझे ये बताओ पहले, ये लिख के भेज दो ना तो फिर मैं बता दूँ। ये तो इमाम मोहम्मद से, नऊज़ बिल्ला, इमाम मोहम्मद थे ना, मोहम्मद इब्न हसन शैबानी, इमाम शाफी के भी उस्ताद, अल्लाह उनकी कमरों पर रहमत करें, करोड़ों रहमतें फरमाएं। तो सरकारी मौलवी जो थे ना वो जलते थे उनसे, हक वालों से आज भी जलते हैं, देखा नहीं अभी कातलाना हमले कर रहे हैं, कभी हलवे खाने वालों पर हमला हुआ है? नहीं। ठंडे दिल से जाके मुल्क में चेक कर लो भाई, निज़ामुद्दीन शामजाई शहीद हुए, मौलाना इदरीस अंसारी शहीद हुए, डॉक्टर मुख्तार शहीद हुए, आदम फारूकी शहीद हुए, ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद हुए, आदम तारिक शहीद हुए, मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद हुए, ये सारी पार्टी कौन है? कोई हलवे वाला तो मुझे बताओ शहीद हुआ हो, उनको पता है ये हलवे वाले लोग हैं, इनसे खतरे की जरूरत नहीं, हलवे की प्लेट दे दो ये राजी हैं, झगड़ा तो इनसे है जो अल्लाह के सिवा किसी को कुछ नहीं समझते। बहरहाल दुआ करें अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहमत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक।